ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके चार पार्ट्स हैं, यानी कि चार लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी एग्जाम्पल है लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, देन आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और लास्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करती है। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं, इनमें बेसिकली जो स्टडी होती है वो मैटर के वो चेंजेस होते हैं जो कि एक सब्सटेंस में चेंज हो और उसके बाद कुछ अमाउंट में सब्सटेंस और फॉर्म हो, या कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म हो, तो उन चेंजेस को हम जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं। ये लॉज जो है वो एम्पेरिकल लॉज होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉज होते हैं, और ये चार लॉज हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1785 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था एंटोनिन लवोइजर, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। यानी कि ना ही मास बन सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन वो अपनी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा ईजी होगा, इसलिए हमने आपके लिए हाइड्रोजन की या वाटर की एग्जाम्पल बहुत सिंपल और बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले जब हम 2 moles ऑफ हाइड्रोजन को 1 mole ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 2 moles ऑफ वाटर फॉर्म होता है। कैसे, और इसमें ये एग्जाम्पल जो है कैसे फिट हो रही है, कि जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन दोनों की मासेस लेंगे बिफोर रिएक्शन, और उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म करती हैं, उसके बाद हम इन दोनों जो कंबाइंड वाटर की जो मास है वो जब हम लेंगे तो दोनों इक्वल होंगी। तो ये हमें ये शो करता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले मासेस सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन जो मास है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें वो वाटर के अंदर चेंज हो रही हैं जो कि लिक्विड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है, जिस तरह से हम देखते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाती है। तो वो जंग किस वजह से लगता है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसके ऊपर कोरोजन की या लेयर आ जाती है एक, उस लेयर को हम कोरोसिव लेयर या जो है रस्टिंग कहते हैं। तो वो जो रस्टिंग है, अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि आयरन के साथ रिएक्ट हो रहा है उस ऑक्सीजन के अमाउंट को या उस ऑक्सीजन की मास को मेजर करें, तो वो उतनी ही होगी कि जितनी आयरन के ऊपर रस्ट की मास है। यानी कि आयरन की मास और रस्ट की मास को हम जो कंबाइन करेंगे वो उस एक मास के इक्वल होगी कि जो आयरन की मास और ऑक्सीजन की मास है। लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। एच लैंडॉल्ट एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इन्होंने 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था और उनकी स्किल्स के बारे में स्टडी किया था, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडिटी चेक कर सकें। इसलिए उन्होंने एक एच शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया, उस ग्लास ट्यूब को उन्होंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया ताकि उनकी लिम्स में जब वो कोई केमिकल डाले या कोई भी सब्सटेंस डाले तो वो मिक्स ना हो। उन्होंने ग्लास ट्यूब का भी वेट चेक कर लिया। फिर उन्होंने एक लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया और दूसरी लिम्ब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। इन दोनों को ऐड कर लिया, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट होने से दूर रखा और इन्हें रिएक्ट नहीं होने दिया। ट्यूब को उन्होंने सील कर दिया ताकि कोई भी मटेरियल या कोई भी मास एस्केप ना हो सके रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन से के बाद या रिएक्शन से पहले। ट्यूब का जब वेट किया गया मास डालने के बाद या सॉल्यूशंस या एसिड्स डालने के बाद वेट किया गया, तो जो वेट था और जो ट्यूब का वेट था इन दोनों को ऐड कर लिया गया। रिएक्शन करने के बाद यानी कि जब उन्होंने ट्यूब को शेक किया, ट्यूब में जो सॉल्यूशंस थे उन्हें मिक्स किया, तो उन्हें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिले और उसके अलावा HNO3 मिला, यानी कि नाइट्रिक एसिड। इन्होंने क्या किया कि जब जो प्रोडक्ट मिला है उसे का वेट चेक किया, जब इसका वेट चेक किया गया तो वो रिएक्शन का वेट, रिएक्टेंट्स का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों सेम थे। ये बात प्रूव करती है कि जब रिएक्शन हम करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद मास हमेशा सेम रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ मास चेंज नहीं होता। आम केमिकल चेंजेस में
रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि मेजरेबल नहीं होती या बहुत कम होती है जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस में जैसे कि यूरेनियम के एटम की अगर हम फिजन करें यानी कि इसकी ब्रेक डाउन करें छोटे एटम्स की एटम्स या छोटे जो है वो न्यूट्रॉन्स में, तो जो चेंज इन एनर्जी होती है वो नोटिसेबली लेस होती है यानी कि उसे हम नोटिस कर सकते हैं। और उस रिएक्शन के में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उससे कम होती है। तो ये बात बहुत इजीली इंडिकेट करती है कि यूरेनियम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कुछ अमाउंट ऑफ यूरेनियम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बात हमें इस बात का सबूत देती है कि हम हीट या रेडिएशन में इसे चेंज कर रहे हैं। और इसी रिलेशनशिप को बहुत ही मशहूर इक्वेशन से इक्वेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर विच इज आइंस्टाइन इक्वेशन, जहाँ पर ई की माना है एनर्जी अर्ग्स में, एम की माना है मास ग्राम्स में, और सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी रिलेशनशिप के बीच में मास और एनर्जी का जो प्रपोजल दिया गया 906 में एक मशहूर फिजिस्ट मैथमेटिशियन जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने ये प्रपोजल दिया था। और इसको फॉलो करते हुए हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो मास है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो मास में जो चेंज या गेन और लॉस हो रहा है वो डिटेक्टेबल नहीं है क्योंकि जो चेंज इन मास है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो मास की या कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो अभी भी सेम है, या से हम अगर मॉडिफाई करें तो वो इस तरह से होगी, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो गेन और लॉस ऑफ मास हो रही है वो डिटेक्टेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, जिससे हम काउंट नहीं कर रहे।